वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान से यूनियन असेंबली के सदर वॉल्कन बोस्कर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने अक़वामे मुत्तहिदा से मसला कश्मीर हल कराने का मुतालबा कर दिया। वॉल्कन बोस्कर की वज़ीर-ए-ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी से भी मुलाकात। जनरल असेंबली के सदर का कहना है कि वो मसला कश्मीर के हल में अपना किरदार अदा करेंगे। कोरोना से निमटने के लिए पाकिस्तानी इकदाम की भी तारीफ। वसीम अख्तर कहते हैं कि मेरी जगह कराची का कोई भी मेयर आ जाए, इन वसाइल में काम नहीं कर सकता। पानी, कचरा, ट्रांसपोर्ट और मास्टर प्लान के अख्तियारात मेरे पास है ही नहीं। वजीर तालीम सिंध सईद गनी कहते हैं कि सिंध हुकूमत के पास जितने वसाइल हैं उसके मुताबिक काम कर रहे हैं। लोग हमसे खुश हैं इसीलिए वोट देते हैं। मेयर कराची को कानून के मुताबिक फंड्स देते हैं। मेयर मुतमईन नहीं तो कानून तब्दील करना पड़ेगा। मूसलाधार बारिश ने लाहौर डबो दिया। सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करती रहीं। पानी घरों में दाखिल। बारिश से दर्जनों फीडर स्ट्रिप कई इलाकों से 5 घंटे बाद भी पानी ना निकाला जा सका। महकमे मौसमियात की बारिश कल तक जारी रहने की पेशगोई। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जिंदगी लौट आई। शॉपिंग मॉल्स में रश। थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स में भी आज तफरीह का सामान मैसर होगा। पार्क्स और रेस्टोरेंट्स की रौनकें भी बहाल। तालीमी इदारे, मदारिस और शादी हॉल्स 15 सितंबर से खुलेंगे। गंदम की कटाई खत्म होने के चंद माह बाद ही गंदम की दरामद शुरू। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ने 15 लाख टन गंदम दरामद करने के लिए टेंडर जारी कर दिया। महकमे खुराक ने फ्लोर मिल्स का कोटा रोक लिया। गंदम ना मिलने से जिला रहीमिया खान की 65 फ्लोर मिल्स बंद। मिले बंद होने से जिले भर में आटे की किल्लत पैदा हो गई। FBR में बड़े पैमाने पर उखाड़ पिछाड़। लाहौर समेत मुल्क भर में तैनात। इनलैंड रेवेन्यू सर्विस के 45 कमिश्नर्स तब्दील। कॉर्पोरेट RTO के कमिश्नर डॉक्टर इश्तियाक अहमद खान लाहौर से सियालकोट, जबकि मोहम्मद यासिर पीरजादा को RTO 2 में कमिश्नर Zone 3 तैनात कर दिया गया। साबिक सदर रफीक तारड़ की अहलिया इंतकाल कर गई। नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर लाहौर में अदा की जाएगी। शहबाज शरीफ, मरीम नवाज और दीगर लीगी क्यादत का इजहार अफसोस। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और सावेक सूबाई वजीर मलिक मुश्ताक आवान इंतकाल कर गए। मलिक मुश्ताक आवान काफी अरसे से अलील थे।